नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं ब्रजेश और इस वक्त की बड़ी खबर, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम को बम्पर रिस्पांस मिला है। इस स्कीम के तहत 65,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी घोषित हुई है। ब्लैक मनी का खुलासा करने वाले शहरों में सबसे आगे हैदराबाद का नाम है। हैदराबाद से करीब 13,000 करोड़ रुपए के कालेधन की घोषणा हुई है। वहीं मुंबई में 6,500 करोड़ रुपए ब्लैक मनी घोषित हुई। दिल्ली से 6,000 और कोलकाता से 4,000 करोड़ रुपए ब्लैक मनी का खुलासा हुआ है। तो कल रात 12 बजे तक का समय था इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए और इसको बम्पर रिस्पांस मिला है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हालांकि अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन 65,000 करोड़ की भारी भरकम ब्लैक मनी का खुलासा हुआ है, डिक्लेरेशन हुआ है। और अगर 65,000 करोड़ को माना जाए तो सरकार को उसमें से कम 30,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 45% टैक्स और पेनल्टी चुकाकर इस स्कीम का फायदा उठाया जा सकता था। 4 महीने के लिए स्कीम खुली थी, 1 जून से शुरू हुई थी और 30 सितंबर को रात 12 बजे खत्म हुई है। और अभी तक का जो खबर आई है उसके मुताबिक 65,000 करोड़ रुपए ब्लैक मनी का खुलासा हुआ है और इसमें सबसे आगे हैदराबाद रहा है। काफी चौंकाने वाला है, मुंबई एक्सपेक्ट किया जा रहा था लेकिन हैदराबाद से सबसे ज्यादा ब्लैक मनी का खुलासा हुआ है, उसके बाद मुंबई, दिल्ली और फिर कोलकाता। कुल मिलाकर 65,000 करोड़ की भारी भरकम राशि जो कि ब्लैक मनी थी उसका खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से अभी तक जो खबर है, लेकिन कुछ देर बाद ये साफ हो जाएगा। दरअसल कितनी राशि का खुलासा हुआ, असीम मनचंद हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। असीम, कहा जा सकता है कि बम्पर रिस्पांस मिला है इस स्कीम को और कहीं ना कहीं बहुत कामयाब रही है इसकी। 1 जून को सरकार ने यह इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम की जो है वो घोषणा की थी। 4 महीने का वक्त जो है वो दिया गया था आपको, जितने भी ब्लैक मनी आप डिक्लेयर करना चाहे करें, आप 45% पेनल्टी देकर के आप इस अपनी ब्लैक मनी को जो है वाइट में कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं। तो उसको लेकर के कल जो है आखिरी दिन था और जो फाइनल फिगर्स वो पहुँचे करीबन 65,000 करोड़ रुपये के आसपास सरकार को जो है वो ब्लैक मनी का डिक्लेरेशन जो है वो मिला है। तो सरकार को करीबन 30,000 करोड़ रुपये इसके आसपास 45% के हिसाब से जो है वो उनको टैक्स जो है वो मिलेगा। फाइनल फिगर्स जो है क्या होंगी, ये कल रात को 11 बजे तक के फिगर्स हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिला था। कल 12 बजे तक जो है सारे काउंटर जो है खोले गए, 3 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली जो है इसका पूरा खुलासा करेंगे कि किस तरह से इनको रिस्पॉन्स जो है वो मिला है। खासतौर पर कि सरकार को उम्मीद थी कि उसको 1,00,000 करोड़ रुपये के आसपास का डिक्लेरेशन जो है वो मिलेगा और लेकिन 65,000 करोड़ के आसपास का डिक्लेरेशन उनको मिला, तो ये भी एक अच्छा फिगर है सरकार को इसके ऊपर कि 30,000 करोड़ रुपये का जो उनको उनका रेवेन्यू जो है वो भी मिलेगा। तो एक काफ़ी ठीक ठाक रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं कि सरकार की जो ब्लैक मनी डिक्लेरेशन स्कीम है उसको मिला। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका असीम। और थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब साफ होगी कि कितने काले धन का खुलासा हुआ है और सरकार को टैक्स और पेनल्टी से कितनी राशि मिलने वाली है। डॉक्टर राकेश गुप्ता हमारे साथ हैं, सीए और प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है सर आपका। अभी तक का जो सूत्रों से खबर मिल रही है, 65,000 करोड़ की काले धन का खुलासा हुआ है, आपको लगता है कि वाकई ये बहुत ही सरकार के लिए बहुत ही कामयाबी की बात है और सरकार वाकई बधाई की पात्र है? देखिए, 65,000 करोड़ की फिगर अभी ऑथेंटिकेट होनी है सरकार के द्वारा जी। लेकिन ये 65,000 करोड़ की फिगर काफ़ी एनकरेजिंग है और जो देखने में आया कि 30 सितंबर को खत्म होने से लगभग 10-12-15 दिन पहले से इसमें सुगबुगाहट शुरू हुई और इस 65,000 में से यदि इतना डिक्लेरेशन हुआ है 65,000 करोड़ का, इसमें से सब्सटेंशियल डिक्लेरेशन जो हुआ है वो बाद के 15-20 दिनों में हुआ है। वैसे सरकार का जो इनिशियल एस्टिमेशन था आपने भी बताया 1,00,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन शुरुआती आकलन से लग रहा था कि सरकार 1,00,000 करोड़ के आसपास भी नहीं होगी, लेकिन उस दृष्टिकोण से 65,000 करोड़ रुपए की डिक्लेरेशन यदि है तो ये काफी संतोष की बात है जी। डॉक्टर गुप्ता, इसको इसलिए भी कह सकते हैं कि जब पिछले साल सरकार फॉरेन इनकम
को लेके जो ब्लैक मनी के लिए स्कीम लेकर आई थी उसको बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, और उसमें जो डिस्क्लोजर्स थे वो भी उसकी संख्या भी बहुत कम थी, करीब 644 लोगों ने सिर्फ डिक्लेयर किया था और मात्र 2428 करोड़ रुपए का डिक्लेरेशन हुआ था। उस लिहाज से कह सकते हैं कि इसमें एनॉर्मस चेंज आया है इस स्कीम में। बिल्कुल आपका कहना ठीक है, उस स्कीम को जो समर्थन अपेक्षित था वो नहीं मिला था, लेकिन इनकम डिक्लेरेशन स्कीम को 65,000 करोड़ रुपए की यदि फिगर है तो उस कंपेरेबल स्केल पे तो ये काफी अच्छा है जी। इसकी इसकी वजह क्या देखते हैं आप, आखिर इतना टर्न अराउंड कैसे हो गया? देखिए, इसमें बड़े स्पष्ट तौर पर कहा जाए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी बाद में सक्रिय हो गया था और लोगों को एसोसिएशंस के लेवल पर बुलाकर भी लोगों को इस तरह से जागरूक किया जा रहा था। कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की जो लिस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास थी उससे भी लोगों को आगाह किया गया कि आपके पास ये एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, आप डिक्लेयर कर दें।